पति पते हर हर महादेव। अरे भैया थोड़ा दर्शन तो करने दो, वीडियो ले रहे आरती का कम से कम। दोस्तों महादेव की कृपा से हम तुंगनाथ मंदिर में इतने करेक्ट टाइम पे पहुंचे ना, जब महादेव का श्रृंगार हो रहा था और जब महादेव को भोग लगाया जा रहा था उस टाइम पे हम पहुंचे तुंगनाथ मंदिर में। भाई ऐसे दिव्य दर्शन करना ना बहुत से लोगों के सौभाग्य में नहीं होता है, लेकिन भाग्यवश हमारे सौभाग्य में वो दृश्य देखा हमने और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की, आरती वगैरह सब लिया। और ठीक उस चोटी पे है चंद्रशिला, वहीं जाने वाले हैं हम, तो अब सीधे आपको मिलता है चंद्रशिला पे। उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा पत्थर है ना, छोटा तो क्या बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ से मस्त सारी खाई है नीचे, वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यार दोस्तों मंदिर परिसर से ही 1 किलोमीटर की दूरी पे है चंद्रशिला की एक चोटी है, देखते हैं वहाँ क्या है, आपको भी दिखाते हैं ठीक है। और चंद्रशिला जाने का रास्ता भाई ऐसा है, और कविदा और राणा दा भी आगे से जा रहे हैं। तो दादी यहाँ के दर्शन करके आपको कैसा लगा? अभी कपाड़ तो खुले नहीं थे, बट जो धाम है धाम के ही दर्शन करके मतलब एक जो अलौकिक शांति मिली ना मन को भाई, मतलब बड़ा अच्छा लगा यार। और जब धाम के कपाट खुल जाएंगे फिर तो क्या ही कहना। आप बस 4 मिनट लेट हुए, हमने आरती के दर्शन किए पता है। अच्छा कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इसके बाद देख लूंगा फिर और क्या कहूँ। सही बात। चलो राजू क्या दिखा रहे हो ये? तो भैया चंद्रशिला की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं, और मेरे चारों तरफ है भाई खूबसूरत बुग्याल, मजा आ गया। तो यार दोस्तों चंद्रशिला की आधी चढ़ाई में कंप्लीट कर चुका हूँ, और इस टफ रूट को मैं चढ़ते हुए आया हूँ, और बस 50 मीटर की दूरी पे रह गया है चंद्रशिला। और गोपाल दा लोग तो ऊपर ही पहुँच ही गए, अब भाई सीधे चंद्रशिला टॉप में जाके ही आपसे मिलता हूँ। हर हर महादेव। तो यार दोस्तों फाइनली कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पर्वत पे, तो चलो दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ भाई, धीरे 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 कदमों से। हर हर महादेव।
तो यहाँ पे है चंद्रशिला पर्वत। तो बस हाँ चंद्रशिला मंदिर, सॉरी चंद्रशिला की चोटी भी है एक हिसाब से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। तो ये तो गंगा धाम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। तो भैया ये चंद्रशिला पहुंच गए फाइनली। तो भैया फाइनली हैं हम चंद्रशिला की चोटी पे, और ये देखो यहाँ पे है मंदिर गंगा धाम। जय हो चंद्रशिला भगवान की जय। तो यहाँ पे है चंद्रशिला धाम। हो महादेव, हर हर महादेव बाबा जी। तो चंद्रशिला धाम की क्या मान्यता है बाबा जी? मान्यता यही है, अपना अपना पाप कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ लोग आए थे चंद्रशिला पर्वत पे। अच्छा, क्यों यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई थी ना? कैसी घटना बाबा जी? ऐसे ऋषियों के खानदान में चंद्रमा जी ने रात को सवेरा बना दिया था। उस समय ऋषि जी गए थे गंगा नहाने, उस समय शराब दिया था चंद्रमा जी को। अच्छा, ऋषियों ने? हाँ ऋषियों ने, उसको पाप मुक्त करने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा, तपस्या की। अच्छा, तो ये कहानी है चंद्रशिला पर्वत की। तो यहाँ पर चंद्रदेव की पूजा होती है? चंद्रदेव की होती है, गंगा माई की होती है। ऊपर ये टॉप में है, ये गंगा माई मंदिर है। अच्छा अच्छा, चंद्रशिला ऊपर पे हुआ। शिला का मतलब ये पूरा टापू। अच्छा, पूरा टापू शिला हुआ ना। तो पहाड़ी का नाम हुआ चंद्रशिला पहाड़ी। हाँ जी। अच्छा चलो ठीक ठीक है बाबा जी। चंद्रमा जी स्वयं आगे तपस्या की है ना। हाँ हाँ, इसके लिए। अच्छा चलो ठीक। तो यहाँ पे है गंगा माई का मंदिर, और चंद्रशिला पूरे पहाड़ी का नाम है, और चंद्रमा देव का मंदिर कहीं आगे है बोल रहे हैं। और ये देखो भाई, कुछ इस तरीके की खूबसूरती के साथ हम चंद्रशिला पर्वत पे हैं, और लोगों ने अपनी अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे पत्थरों की शिलाएं बनाई गई हैं। तो चंद्रशिला पर्वत पे ऐसी मान्यता भी है कि पत्थरों की शिलाओं का अगर आप चोटी बनाते हो तो आपकी, जिस हिसाब से आपकी ये चोटी बनाई होगी ना आपने, उसके हिसाब से आपकी रुतबा बढ़ेगा, मतलब शौर्य बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके की मान्यताएं हैं। और ये चंद्रशिला पर्वत से देखो चारों तरफ का 360 व्यू दिखता, लेकिन चारों तरफ अभी बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो क्या ही कहे, कुछ इस तरीके का है भाई। कौन कौन सी पहाड़ियाँ दिखते हैं वैसे यहाँ से? यहाँ त्रिशूली है, नंदा देवी है। अच्छा, नीलकंठ है, ये सब दिखता पूरे हिमालय। अच्छा अच्छा, चारों दिशाओं में दिखता। अच्छा, तो बाबा जी के साथ अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रदेव के मंदिर पे ना बाबा जी? अच्छा अच्छा, अच्छा मन्नतों को पूरा करने के लिए। अच्छा, सब मुक्त होते होंगे। तो यहाँ पे है चंद्रदेव का मंदिर। अच्छा, ये मूर्ति पहले से है बाबा जी यहाँ? ये मूर्ति तो लाई गई होगी, लाई गई है, लगाई गई है। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन में आई थी ये मूर्ति। हाँ, लॉकडाउन में आने के बाद ये आई है योगी के उसमें। अच्छा अच्छा, योगी यहाँ से कौन ले गया, महादेव मेरा उठा के। और ये यहाँ पे जो ये फरसा है इसका क्या है? ये तो भगवान का है। अच्छा अच्छा, इन लोगों ने तोड़ दिया लगता है। तो यार दोस्तों, अब चंद्रशिला में काफ़ी समय बिताने के बाद और बाबा जी से गुफ्तगू करने के बाद भाई, अब हम चंद्रशिला पर्वत से हम नीचे को उतर रहे हैं और तुंगनाथ जी के
प्रांगण में जाते हैं। और ये देखो भाई कितने ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं और कंटिन्यू आए जा रहे हैं श्रद्धा से। और यही रहता है ना, भोलेनाथ के बहुत सारे भगत रहते हैं और ज़्यादा किस एरिया से आ रहे हैं पता है? साउथ इंडिया से ज़्यादा आ रहे, राजस्थान गुजरात वगैरह से ज़्यादा आ रहे, मतलब मध्य भारत से ज़्यादा आ रहे, मध्य भारत से नीचे से ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। और हम कुमाऊँ से ही आके कुमाऊँ में ही ना घूमते हैं यार, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सीधे मंदिर पे। भाई कहाँ से भैया लोग आप लोग? कहाँ से? कोलकाता से भैया, हम लोग वेस्ट बंगाल। ये अब बताओ गांव का नाम बताओ अपने अपने। मेरा तो बिहार पड़ेगा भैया गांव। अच्छा बिहार, और सबका ही बिहार, सब बिहार के। ऐसे हम लोग कोलकाता में ही रहते हैं। हम लोग कोलकाता के निवासी है सर में। अच्छा अच्छा, तो यार दोस्तों फाइनली ऊपर चंद्रशिला से आने के बाद हम जैसे ही तुंगनाथ मंदिर में पहुंचे ना, तो मंदिर के कपाट खुल चुके थे और हम सभी लोगों ने दर्शन बहुत ही प्यार से किए और बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया है। अब चलते हैं यहां से घर की ओर। तो यार दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर भगवान तुंगनाथ जी के अगर आपको दर्शन हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।